हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिरला करियर एकेडमी। आज हम देखेंगे अल्फाबेट बी से स्टार्ट होने वाली वोकैबुलरी का पार्ट सेकंड, जिसमें आपको नेक्स्ट 10 वोकैब्स बताऊंगा जो एसएससी के एग्जाम में आती ही आती है। ये ऐसी वोकैब्स है जो आप एसएससी एग्जाम दे लो, अपना एमपीपीएससी की कोई एग्जाम दे लो, व्यापम की एग्जाम दे लो या कोई स्टेट पीसीएस की एग्जाम दे लो, हर एग्जाम में इन वोकैबों में से कोई ना कोई एंटोनिम्स के या सिनोनिम्स के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगी। इसलिए आप मेरे इस वीडियो को देखते रहिए और लास्ट तक देखेंगे तो आपको इसका काफी फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम देखते हैं अल्फाबेट बी से स्टार्ट होने वाली वोकैब और उनको याद करने की ट्रिक। एक बार वीडियो आप लास्ट तक देखिए, उसके बाद आप कभी भी रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, पूरे जीवन में कभी भी रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। अब जब भी एग्जाम में देखोगे आपको आपके माइंड में क्लिक होने लगेगा कि यह कहीं ना कहीं पढ़ी थी, और जब आप ट्रिक निकालने की कोशिश करोगे तो आप आसानी से आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं आज की वोकैब जो है। पहली है बेडिजन। बेडिजन मतलब होता है वल्गर ड्रेसअप। वल्गर ड्रेसअप मतलब भद्दा ड्रेसअप इसको कहते हैं, मतलब वही शॉर्ट्स पहनना जैसे हम मूवियों में देखते हैं, जो ड्रेसअप होता है वो वल्गर टाइप का होता है। उसको याद कैसे करेंगे? कभी भी किरण बेदी जो है वल्गर ड्रेसअप नहीं पहनती या बेडिजन ड्रेसअप नहीं करती। किरण बेदी, किरण बेदी जिसको आप सब जानते होंगे, पहली महिला पुलिस जो थी किरण बेदी, बेडिजन, तो कभी भी किरण बेदी बेडिजन ड्रेसअप नहीं पहनती। ध्यान रखना, मतलब वल्गर ड्रेसअप नहीं पहनती। कभी भी किरण बेदी वल्गर ड्रेसअप नहीं पहनती या बेडिजन मतलब बेडिजन ड्रेसअप नहीं पहनती। ठीक है, नेक्स्ट है बिसीज। बिसीज मतलब होता है किसी के सामने गिड़गिड़ाना, गिड़गिड़ाना या रिक्वेस्ट करना या कुछ भी इस तरीके से उसके पैरों में आप कुछ मांग करना, तो बिसीज इसको हम कैसे याद करेंगे? सी जाने होता है, हम देखेंगे सिंचना, सिंचाई करना, सिंचाई करना। किसान रात दिन मेहनत करके अपने गेहूं चने की सिंचाई करता है, उसके बाद उसकी जब फसल खराब हो जाती है तो वो साहूकार के पास जाकर पैसों के लिए क्या करता है? बिसीज करता है। किसान दिन रात मेहनत करके अपने खेतों की सिंचाई करने के बाद फिर भी उसकी फसल खराब हो जाती है तो वो साहूकार के पास जाकर क्या करता है? बिसीज करता है, गिड़गिड़ाता है, बिसीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है बैरेज। बैरेज मतलब होता है बोछार, बोछार। याद कैसे करेंगे इसको? आपने देखा होगा जब बार में लोग ज्यादा ड्रिंकिंग कर लेते हैं, बियर पी लेते हैं और वाइन पी लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? वो बातों की बौछार करने लगते हैं। बार में ड्रिंकिंग करने के बाद जो पीपल होते हैं वो क्या करते हैं? बैरेज करने लगते हैं, बातों की बैरेज करने लगते हैं। बार में ड्रिंकिंग करने के बाद लोग बातों की बैरेज करने लगते हैं, बौछार करने लगते हैं। कोई अपनी बात बनवाता है तो कोई अपनी बात बनवाता है तो क्या होती है, एक दूसरे पे गोलीबारी जैसा होने लगता है, जिसको हम गोलीबारी भी कह सकते हैं। गोलीबारी करना याद करने के लिए क्या करते हैं? बौछार करना, बातों की बौछार करना, बातों के माध्यम से गोली चलाना, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बार में ड्रिंकिंग करने के बाद लोग बैरेज करने लगते हैं। नेक्स्ट है बिरेट। बिरेट मतलब होता है डांटना, किसी को रिबुक करना, डांट लगाना। कैसे याद करेंगे इसको? मान लो आपने किसी बच्चे को दुकान पे भेजा, दुकानदार ने क्या किया, जो चीज लेने भेजे थे आप उसका रेट कम होने के बाद उसने रेट ज्यादा लगा लिया, तब आपने देखा तो आप पहुंचे दुकानदार के पास और आपने क्या किया, जो उसने रेट लगाया था उस रेट के लिए दुकानदार को आपने बिरेट किया, डांटा। उसने ज्यादा रेट लगा लिया था इसके लिए आपने दुकानदार को क्या किया? बिरेट किया, इसका मतलब डांटा। रेट ज्यादा लगाने के कारण दुकानदार को आपने बेरेट किया। नेक्स्ट है बोर्ड। बोर्ड मतलब होता है प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट करना या अंदेशा लगाना। कैसे याद करेंगे? जैसे हम कोई भी एग्जाम दे के आते हैं, जैसे बोर्ड एग्जाम दे के आते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम? अपने नंबरों को कैलकुलेट करते हैं, मनी मन देखते हैं कि कितने आ सकते हैं, तो हम बोर्ड एग्जाम देने के बाद क्या करने लगते हैं? बोर्ड करने लगते हैं हमारे नंबरों को कि कितने आ सकते हैं। तो
बोर्ड एग्जाम देने के बाद, बोर्ड एग्जाम देने के बाद, बोर्ड एग्जाम देने के बाद हम अपने नंबरों के लिए क्या करते हैं, बोर्ड करते हैं, अंदाजा लगाते हैं कितने आएंगे। तो बोर्ड एग्जाम देने के बाद हम बोर्ड करने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बिमोन। बिमोन मतलब होता है गुस्सा एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस योर एंगर, गुस्सा एक्सप्रेस करना। तो हम किसे याद करेंगे, जैसे आपने आपके घर देखा होगा कोई छोटा बच्चा होता है, उसको उसकी मम्मी पापा कोई भी डांट देता है तो क्या करता है, साइलेंट हो जाता है, मौन हो जाता है, और मौन रहकर अपना गुस्सा एक्सप्रेस करता है। हम कैसे याद कर सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो मौन रहकर बीमौन करते हैं, जो बच्चे होते हैं वो मौन रहकर बीमौन करते हैं, इसका मतलब अपना गुस्सा एक्सप्रेस करते हैं। जो बच्चे होते हैं वो मौन रहकर बीमौन करते हैं, अपना गुस्सा एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट है ब्रंट। ब्रंट मतलब होता है मेन इम्पैक्ट, मेन इम्पैक्ट या किसी भी चीज का जो मेन प्रभाव होता है उसको कहते हैं ब्रंट। अब इसको याद कैसे करेंगे, मान लो आज आपकी शादी हो गई और आपकी बीवी ने आपको बोला मेरी साड़ी को आप प्रेस कर देना, आप प्रेस करने लगे, वो प्रेस करते करते आपने आप साड़ी को क्या किया, बर्न कर दिया, जला दिया, बर्न कर दिया। फिर आपकी बीवी ने उसका ब्रंट दिखाना चालू किया आपके ऊपर, इसका मतलब मेन इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा आपका, आपकी बीवी ने ब्रंट करना चालू किया कब, जब आपने उसकी साड़ी को बर्न कर दिया। तो बर्न करने के बाद बीवी ने आपको ब्रंट किया, मेन इम्पैक्ट दिखाया, आपने पावर दिखाई, ठीक है। तो साड़ी को बर्न करने के बाद आपकी बीवी ने आपको ब्रंट किया, मेन इम्पैक्ट दिखाया उसका। अब आता है ब्रुस्क्यू। ब्रुस्क्यू का मतलब होता है, ब्रुस्क्यू का मतलब होता है इम्पोलाइट, रूड, ऐसा व्यक्ति जो इम्पोलाइट तरीके से बात करे, रूड तरीके से बात करे, रूडली बात करे। हम इसको याद कैसे करते हैं, जब आप कभी आते हो और बस के लिए टिकट लेना पड़ता है तो क्यू मतलब होता है लाइन में लगना, और बस तो आप जानते हैं, तो जब भी बस की क्यू में आप जाते हो और ज्यादा भीड़ हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, रूडली बात करने, भाई आगे मत लगना मेरे, भाई पीछे मत लग, पीछे लग जाओ, तो ये रूडली बात करते हैं। जब बस की क्यू में आप लगते हो तो जो वहां लगे हुई भीड़ होती है, क्राउड होती है, वो क्या करती है, इम्पोलाइट हो जाती है, रूडली बात करती है। बस की क्यू में जब आप किसी के आगे लगने जाते हो तो जो आपके पीछे लगा हुआ होता है वो क्या बोलता है, इम्पोलाइट तरीके से बात करता है, ब्रिस्क्यू करने लगता है, ठीक है। इसके बाद है बेस्टो। बेस्टो मतलब होता है प्रदान करना, प्रदान करना या किसी को कोई चीज देना, गिव करना, ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे, आपने एक प्रतियोगिता रखी, उसमें आपने कहा कि जो भी हमें, सपोज कर लो ड्राइंग प्रतियोगिता रखी, तो जो भी बेस्ट पेंटिंग करके देगा उसको हम बेस्ट स्टोव, स्टोव मतलब वही गैस चूल्हा जो आप पहले यूज करते थे अपना, केरोसिन वाला, इस तरीके वाला जो होता था उसको कहते हैं स्टोव। तो जो भी बेस्ट पेंटिंग देगा उसको हम स्टोव, बेस्ट स्टोव बेस्टो करेंगे, मतलब बेस्ट स्टोव बेस्टो करेंगे, प्रदान करेंगे। जो भी कोई बेस्ट पेंटिंग बना के देगा उसको हम बेस्ट स्टोव, बेस्ट स्टोव मतलब बढ़िया वाला स्टोव बेस्टो करेंगे, मतलब प्रदान करेंगे, देंगे, इनाम में देंगे। अब होता है बिगाइल। बिगाइल मतलब होता है धोखा देना, धोखा देना। कैसे याद करेंगे बिगाइल को, बिगाइल मतलब होता है धोखा देना। याद करने के लिए हम क्या करेंगे, बेग आने होता है भीख मांगना, तो बेगर जो होते हैं वो क्या करते हैं, बेगर बेग करके पब्लिक को बिगाइल करते हैं, धोखा देते हैं। आपने देखा होगा कहीं पर बूढ़े लोग या कोई चश्मा पहन के, काला चश्मा पहन के बैठ जाता है, भीख मांगता रहता है, लेकिन जब भी आप उसके पैसे उठाने लगे उसको दिखने लगता है, मतलब वो अंधा बनने की कोशिश करता है, अंधा अपने आप को बताता है, तो वो क्या कर रहा है, आपके साथ चीटिंग कर रहा है, धोखा कर रहा है। तो याद कैसे करेंगे, बेगर जो होते हैं वो बेग करते टाइम बिगाइल करते हैं, धोखा देते हैं, बेगर जो होते हैं बेग करते टाइम बिगाइल करते हैं, धोखा देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब एक बार रिवाइज करा देता हूं, ठीक है।
बेडी जन को कैसे याद किया हमने, किरण बेदी जो है कभी भी बेडी जन ड्रेसअप नहीं पहनती। बेडी जन मतलब हो गया वल्गर ड्रेसअप, शॉर्ट्स, ठीक है। इसके बाद आता है बीज, बिसिज, सॉरी बिसिज, बिसिज मतलब होता है गिड़गिड़ाना। याद कैसे करेंगे, किसान अपना खेत में गेहूं चने की सिंचाई करता है, रात दिन मेहनत करता है, गेहूं चने को सींचने के बाद भी जब फसल खराब हो जाती है तो साहूकार के सामने क्या करने लगता है, बिसीज करने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट है बैरेज। तो हमने देखा है कि बैरेज का मतलब होता है गोलीबारी करना, बौछार करना। तो कैसे याद करेंगे, जब भी कभी आप बार में ड्रिंकिंग कर लेते हो आपके दोस्तों के साथ, तो आप और आपके दोस्त क्या करने लगते हैं, बातों की बैरेज करने लगते हैं, बातों की बोछार करने लगते हैं, दूसरे के ऊपर बातों की बैरेज करने लगते हैं। इसके बाद है बिरेड। इसको कैसे याद किया था, बिरेड का मतलब होता है डांटना। कैसे याद किया था हमने, कि आपने किसी बच्चे को किसी दुकानदार के पास कुछ सामान लेने भेजा और दुकानदार ने क्या किया, उसको रेट ज्यादा लगा लिया, तो आप गए और आपने उस रेट के लिए उसको क्या किया, बिरेड किया। उसको जो उसने रेट लगाया था उसके लिए आपने उसको बिरेड किया, डाटा। नेक्स्ट है बोर्ड। बोर्ड मतलब होता है प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट करना। इसको याद कैसे करेंगे, जब भी हम बोर्ड एग्जाम दे के आते हैं हम क्या करते हैं, हमारे नंबर को बोर्ड करने लगते हैं। बोर्ड एग्जाम देने के बाद हम अपने नंबर बोर्ड करने लगते हैं, मतलब प्रिडिक्ट करने लगते हैं, कितने आएंगे, पास हो जाएंगे, नहीं होंगे, जो भी होगा बोर्ड करने लगते हैं। नेक्स्ट है बीमोन। बीमोन को कैसे याद करेंगे, बीमोन मतलब होता है आपका गुस्सा एक्सप्रेस करना। तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, जब उनके मम्मी पापा उनको डांट देते हैं तो वो क्या करते हैं, मौन रहकर बिमोन करते हैं, मतलब चुपचाप हो जाते हैं और अपना गुस्सा एक्सप्रेस करते हैं। तो मौन रहकर बिमोन करते हैं छोटे बच्चे, मौन रहकर बिमोन करते हैं। नेक्स्ट है ब्रंट। ब्रंट मतलब होता है मैन इम्पैक्ट। याद कैसे किया था, कि जब भी कभी आपने याद किया था कि ब्रंट मतलब मेन इम्पैक्ट। इसको याद करने के लिए क्या किया था, कि आपने आपकी वाइफ की साड़ी जो है उसको जला दी, तो वाइफ क्या करती है आपके ऊपर, उसका ब्रंट दिखाती है, मेन इम्पैक्ट दिखाती है। वाइफ की साड़ी बर्न करने के बाद वाइफ आपके ऊपर ब्रंट करने लगती है। नेक्स्ट है ब्रस्क्यू। ब्रस्क्यू मतलब क्या होगा, याद कैसे करेंगे, इम्पोलाइट तरीके से बात करना, रुडली तरीके से बात करना। हम याद करने के लिए क्या करेंगे ब्रस्क्यू को, जब भी कभी आप बस की क्यू, क्यू मतलब होता है लाइन में लगना, तो जब भी कभी आप बस की क्यू में लगते हो और वहां क्राउड होती है तो उस कंडीशन में सब लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं और एक दूसरे कैसे बिहेव करने लगते हैं, ब्रिस्क्यू तरीके से बिहेव करने लगते हैं। नेक्स्ट है बेस्टो। तो हमने एक प्रतियोगिता रखी थी जिसमें बेस्ट पेंटिंग जिसकी होगी उसको हम क्या इनाम में देंगे, बेस्ट स्टोव बेस्टो किया जाएगा, बेस्ट स्टोव, गैस चूल्हा जिसको कहते हैं बेस्टो, ये उसको बेस्टो किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है बिगाई। बिगाई लोग कैसे याद करते हैं, आप जब भी कहीं जाते हैं रेलवे स्टेशन पे देखोगे या कहीं बस स्टैंड पे देखोगे, बेगर बेग करते करते क्या करते हैं, बिगाइल करते हैं, मतलब धोखा देते हैं, जबरदस्ती का ब्लाइंड होने की कोशिश करते हैं कि हम लंगड़े हैं, लूले हैं, अंधे हैं। तो क्या करते हैं वो, बेगर जो होते हैं बेग करते टाइम बिगाइल करते हैं पब्लिक को, धोखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही मेरे ट्रिकी वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस YouTube चैनल बिरला करियर एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया वो एक बार कृपया बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और सब्सक्राइब करने के लिए आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का ऑप्शन दिखेगा YouTube चैनल के नीचे, YouTube वीडियो के नीचे, उसको प्रेस करना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।